थाना कोसी कला के नंदगांव रोड स्थित हिंदू इंटर कॉलेज में लगे कोसी महोत्सव मेले में झूले का पैनल टूटकर गिर गया। झूले में बैठे दो युवक नीचे गिर गए, जिससे मेले में हड़कंप मच गया। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में दोनों घायल युवकों को उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरे झूले बंद करा दिए और घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि सागर उम्र 12 वर्षीय और काना उम्र 14 वर्षीय कोटवा गांव के रहने वाले नरेंद्र के पुत्र हैं, जो कि अपने चचेरे भाइयों के साथ झूला झूलने के लिए घर पर बिना बताए थे। हालांकि परिजनों ने इस बारे में अभी तक कोई पुलिस को शिकायत नहीं दी है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही हिंदू इंटर कॉलेज में लगे कोसी महोत्सव मेले का उद्घाटन किया गया था, जिसमें बच्चों की छुट्टियों को लेकर के तरह तरह की प्रदर्शनी, बाजार और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए गए थे। लेकिन दो दिन बाद ही कोसी महोत्सव मेले झूले को किसी की नजर लग गई और यह गंभीर हादसा घटित हो गया। इस मौके पर दोनों घायल युवकों को प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। घटना के बारे में जानकारी देते मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी युवक एवं घायल युवकों के ताऊ ने जानकारी दी। भैया झूला टूट गया ऊपर से। तो कहाँ पे झूलने आए थे ये झूला? सर्कस में कौन सी? अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या था ये, मतलब कैसे कैसे झूला चल रहा? झूला टूट गया ऊपर से। और दोनों के नाम क्या है इनके? बड़े को काना, छोटे को सागर। अच्छा, तो ये दोनों भाई भाई हैं दोनों आपस में? भाई। अच्छा अच्छा, क्या स्थिति सही है या मतलब गंभीर स्थिति है? और कहाँ के रहने वाले हैं दोनों ये? सर जी, जैसे कि हम यहाँ पे बाहर घूम रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, जैसे एक झूला टूट के आया ऊपर से, दो बंदे थे उसमें बैठे थे, 17-18 साल के, उसमें एकदम टूटा था। जैसे वो टूट गया तो उसके झूले वाले तो भाग गए, उसको कोई उठाने नहीं आया। हम चार बंदे आए थे, तीन बंदे, फिर एक बंदा और आया, फिर दो बंदे हमने उसको रिक्शा में झूला, एक झूला जी जिससे हमने उठाया था, एक के तो आँख में प्रॉब्लम, एक के सिर में प्रॉब्लम, दोनों पैरों में दिक्कत है। और उसमें हमने दो बंदे तो उनके साथ भेजे ट्रिम लाइफलाइन हॉस्पिटल में, और हमने प्रशासन को यहाँ पे। अभी कैसी तबीयत है उनकी? उनकी ये पता नहीं, हॉस्पिटल में जाके पता चलेगा, गंभीर हालत है। और हमने झूले वाले से संपर्क किया था, झूले वाले भाग के, कोई इसका जो इंचार्ज है वो भी नहीं मिला।